नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्यूरिनी आयुर्वेदा में। आज की अपनी इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं युवाओं के दौर में एक फैशन बनता जा रहा सिगरेट पीने की आदत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिगरेट पीना धीरे धीरे युवाओं में फैशन बनता जा रहा है। हर इंसान जानता है कि सिगरेट सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है और इससे कई तरीके के कैंसर को खतरा बढ़ावा मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर के पनप से पहले ही सिगरेट आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को भी ख़राब करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, महिला हो या पुरुष, सिगरेट का उनकी सेक्सुअल लाइफ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, मगर पुरुषों के लिए ये ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़्यादा सिगरेट पीने से पुरुषों में कई ऐसे बांझपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी कि इनफर्टिलिटी इन मैन, जिससे कि पुरुषों की पिता बनने की क्षमता पर असर पड़ता है। आपको बता दें कि पुरुषों में सेक्सुअल लाइफ के लिए सिगरेट कितनी हानिकारक है, और क्या सच में आपके सिगरेट पीने की वजह से आप आने वाले समय में पिता नहीं बन पाएंगे। तो बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय में। पुरुषों के पिता बनने में सबसे बड़ी भूमिका उनके स्पर्म की होती है। स्पर्म जितना ज़्यादा हेल्दी होगा, उसके लिए महिला अंडे के साथ निषेचन की संभावना उतनी ज़्यादा रहती है। लेकिन दुनिया भर में वैज्ञानिकों द्वारा की गई ऐसी कई रिसर्च बताती है कि सिगरेट पीने से पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होता है। इसके अलावा इससे स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है, उनका शेप बिगड़ता है और मोबिलिटी घटती है, जिसके कारण पुरुषों में वीर्य तो बनता है लेकिन उनमें स्पर्म कम होता है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक सिगरेट पीता है या बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, तो उसके पिता बनने में ये लत काफ़ी ज़्यादा अड़चनें मुसीबतें पैदा कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सिगरेट स्पर्म को कैसे प्रभावित करता है? रिसर्च के अनुसार सिगरेट पीने से स्पर्म की गुणवत्ता और कंस्ट्रक्शन 23% कम हो जाता है। सिगरेट की लत स्पर्म के डीएनए को डैमेज कर सकती है, जिससे स्पर्म के अंडे के साथ मिलकर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। सिगरेट पीने की लत से शरीर में कई तरीके के हार्मोन्स का बैलेंस भी बिगड़ता है। यह हार्मोनल असंतुलन भी पुरुषों के पिता बनने की संभावना को ख़राब कर सकता है। सिगरेट की आदत आपके स्पर्म के शेप को बिगाड़ सकती है, जिससे इसे तैरने में और अंडे तक पहुंचने में परेशानी आ जाती है। लगातार स्मोकिंग करने से पुरुषों के वीर्य में बहुत कम हेल्दी स्पर्म बचते हैं, जिससे यह साफ देखने को मिलता है कि पिता बनने की संभावना कम हो जाती है। रिसर्च के अनुसार सिगरेट पीने वालों में स्पर्म की मोबिलिटी यानी तैरने की गति में भी 13% की कमी आती है। इसके कारण फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं हो पाता और पुरुष पिता बनने से वंचित रह जाते हैं। यही नहीं, सिगरेट की लत पुरुषों की संभोग की लाइफ को भी प्रभावित करती है। इससे लिंग में उत्तेजना की कमी, शीघ्र पतन, लिंग में कड़ेपन का अभाव जैसी कई समस्याएँ हो सकती हैं। सिगरेट छोड़ने से कितने दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, आपको यह भी बता देते हैं। जिस रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को सिगरेट की लत और ऊपर बताई गई समस्याएं बताई गई हैं, वो अगर सिगरेट पीना छोड़ दे तो उनकी जो संभोग और फर्टिलाइट की संभावना है नॉर्मल हो सकती है। लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि सिगरेट पूरी तरह छोड़ने के 3 महीने के बाद से इसका असर आपको स्पर्म पर दिखना शुरू होता है और कई बार समस्या को पूरी तरह ख़त्म होने में सालों लग सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छी तरह इन्जॉय करने के लिए और पिता बनने के लिए आज ही सिगरेट को लत को छोड़ दें। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।